फिर है ना एक दिन मेरे को एक जंगल में ना एक शिकारी मिला जो कि एक है ना शिकारी नहीं। हेलो जी, राम राम भाई सारा ने स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। सोके उठी हूं जी, को नाम है पूजा प्रमजीत पुनिया और इन तो देखो गॉड देखी होगी क्या शरारत कर रही है। प्रमजीत जी सोने की कोशिश कर रहे हैं। गाइस आपको पता है मैं अभी सो के उठी हूं और मैं स्कूल से भी आ चुकी हूं, अब मेरी होगी मस्ती। स्कूल तो ये गई नहीं है, अभी ट्यूशन टाइम जाएगी और मस्ती कर रही है अपने चाचू के साथ। इनको सोने नहीं दे रही है, ये बोल रहे हैं बेटा मेरे को घंटे भर रेस्ट करने का, फिर ऑफिस जाना है, क्योंकि खाना खाते ही गरम गरम खाना खाते हैं तो फिर नींद आती है। अब ये देखना प्रमजीत जी को हो रहा है कि ठीक है ये ऐसे करके मेरे थोड़ा दबाती रहे तो हूँ। ये सुना रही है कहानियाँ जोड़ जोड़ के पता नहीं किस किस की बता रही है। और हमारा खाना वाना हो चुका है, टाइम हो रखा है 12:02। और मैंने दवाइयाँ भी ले ली हैं और तो ये दोनों चाचा बेटी पार्क में गए थे तो सुबह 6:30 7:30 के उठे हुए हैं तो इनको नींद आ रही, नींद सुबह से आने लग जाती है खाना खाने। मैंने एक मोबाइल लिया था जिससे ऑन कर सकते हैं ना, और फोन कहाँ से आ गया खाने के लिए। तो चलिए हॉरर मूवी सुना रही हूँ। एक छोटा मोबाइल था जिसमें है ना सारे बटन है ना सिर्फ फोन ही करने के लिए और उसमें अभी ग्रीन लाइट। तो चलिए आज मैंने ये वाले इयररिंग डाले हैं जो कि आज ही डाल पाऊंगी। कि एक भूत ना अपने देश है ना मेरे चाची है ना चाची कहाँ से आ गई। अरे पहले सुनी तो कर पूरी कहानी। फिर है ना एक दिन चाची को है ना उसने मार दिया, फिर वो तो मेरी माँ थी। चाची माँ थी क्या? हाँ। मारा कैसे बताओ, क्योंकि वो तो कहीं सोच रही थी कि मैं कहाँ से हूँ। मैंने तो सोच लिया कि मैं कहीं मिलेगी तो वो उसको मेरे लिए मेरे को मेरे वो मेरे को लेने के लिए नहीं मेरी मम्मा को लेने आया था। ये देखो कैसे जोड़ जोड़ के बताई जा रही है। इतने छोटे अपन थे तब अपने को यूँ लगता था कि मतलब कहानियाँ बड़ा बड़ा के आपा भी सुनाता। मैं मतलब बचपन देखे हैं इनको तो सारी चीज़ें मतलब मेरे लिए याद आए, सब बच्चों की कोशिश हुए मैं भी उसको खा जाऊंगा। तभी है ना मेरे को एक जादू दिखा जो मैंने उसको है ना पकड़ा दिया था। तो आज सर में क्यों मार रही है मुंह पे माथे माथे में मार रही है। सोच रही हूँ कि है ना जब मैं काम करती थी ना उसको तो छोड़ दूँ। अब मेरे काम कहाँ से करती थी है? चलो तो भाई मिलन धर हूँ शाम को, अब मन में नींद आवे लगी सोवांगा थोड़ी देर। एक ही तो यहीं चल लगी बेटा, कूलर ऑन करो, कूलर ऑन कर दो, कर्टन साइड करो। आगे कौन कितना मीठा है इधर बताओ मोबाइल में। बहुत मीठा है गाइस, तो
भाई देसी तरीके से तरबूज कौन खाता है, हम तो ऐसे ही खाते हैं। आजकल ट्रेंड चल रहा है कि तरबूज के ऐसे बाइट करके फिर रख देते फिर खा लेते, ना तो गुड्डू को पसंद है ऐसा, ना ही मेरे को लगता होता है इसी में पहले तो लोग इतने बर्तन हो जाते हैं। सुबह फ्रिज में से निकाल के वापस किसने रखा था, मैंने सोचा आपको अच्छा नहीं लगा होगा। मैंगो जूस तो सबसे पहले निकाल लेती हूँ मम्मी। क्या हुआ बेटा? ओहो, और इसमें पानी कितने भरा था? अभी बढ़िया वाले मैंगो तो नहीं आए, ऐसे ऐसे ही आए हैं, पर बना के देंगे इसको। तो ये खड़ी मैंगो जूस के लिए खड़ी, बेटा मैंगो जूस बनाओ। हेलो गाइस, आज छोटी मामा मेरे लिए मैंगो जूस बना रही है, तो वो बन गया है। अब उसमें थोड़ा मिल्क डालेगी, फिर इसको ना इसका जूस बनाएंगे। तो आप इसको देखते रहो, मैं बताऊंगी आपको कैसे बनाते हैं। मिल्क लेना है, फिर उसमें थोड़ा सा पानी डाल दो, फिर मैंगो काट दो, फिर आप उसमें पानी डालो थोड़ा सा, फिर आप उसमें मिल्क डाल दो थोड़ा सा, बस बन जाएगा मैंगो जूस। बाय बाय। मम्मा बोल दिया। कैसा बना बेटा? इधर तो आ। कैसा बना? अच्छा नहीं बना? अब इसको मजे आ गए। अब चलो बेटा स्कूल, बैग पैक करो अपना। अब पहले ये तो फिर फिनिश करो तो इसको। मैं रख देती हूँ दूध वगैरह अंदर फ्रिज में। ये बर्तन हो गए साफ करने वाले। ये सब गायों को डाल लिया जाऊंगी, स्टब में रखती हूँ क्योंकि गायों को डालने वाली चीजें स्टब में डाल देती हूँ। और ये भी साफ करने वाला। बादाम पसंद नहीं है आपको? नहीं। तभी नहीं डाला मैंने। अब मैं पी लेती हूँ पानी क्योंकि मेरे को जूस नहीं पीना है मैंगो का। ऐसा कौन होता है जिसको मैंगो से एक बहुत पसंद होता है और वो नहीं पीता? मेरे को बहुत पसंद है और मैं नहीं पीती। मेरे को बहुत पसंद है, मैं पीती। अब देख लो मैं इतना कंट्रोल रखती हूँ, इतना कंट्रोल रखती हूँ, गुड्डू के लिए बना दिया लेकिन मैंने चख के भी नहीं देखा कि कैसा बना है। नहीं बेटा नहीं, नो नो नो, नहीं बेटा देखो। यम्मी यम्मी, गुड्डू ने फिंगर टिप से टेस्ट कराया कि मम्मा टेस्ट करके तो देखो। तो चलिए अब स्कूल की तैयारी करते हैं, इसको ट्यूशन के लिए। बैग में इसने पूरा फैलावड़ा कर रखा है जो आपको दिखाऊंगी मैं। ये देखो हमारे बेड की हालत और उधर हमारे कपड़ों की हालत। इसमें लाइट ऑन कर लेती हूँ मैं। ये बैग जाएगा, इसका बोतल भरूंगी पानी की,
इस बैग में इसकी बुक स्टॉल में इसमें इसकी हैंगी और ये पता नहीं किस चीज़ का मैप है, ये मैप है इसका। पानी चलो मम्मा उधर से ही पी लेते हैं। नहीं थोड़ा डाल दूंगी बेटा। फिनिश करके आ गई क्या? फिनिश कर लिया? माउथ वॉश क्यों बेटा? जाते वक्त पी लेना, जाते वक्त पी लेना। माउथ वॉश क्या? बोतल में डाल दो तू। जूस नो बेटा, ये बोतल पानी की, पानी की ये बोतल, इसमें पानी बोतल में डाल दो। बिल्कुल रेडी होने की जरूरत नहीं है ना, इतनी देर में पसीना आ गया, इतनी देर में पसीना आ गया। आपके भी हेयर बैंड बेटा गंदी लगती हो, फिर स्कूल की मजाक उड़ाएंगे इसकी मम्मा, रेडी नहीं करती क्या इसको? घर पे रहते हो, उसी से